नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। शिवनी मालवा कांग्रेस की पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने शिवनी मालवा के थाने पहुंचकर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव से चर्चा की एवं आदिवासी महिला द्वारा जनपद उपाध्यक्ष पर लगाए आरोपों पर ओम प्रकाश रघुवंशी ने थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव से चर्चा करते हुए स्पष्ट जाँच की मांग की है एवं पूरी घटना को स्पष्ट रूप से बताने एवं मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। वहीं ओम रघुवंशी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों को छोड़ा न जाए एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी समस्त मुद्दे को लेकर थाना प्रभारी ने चर्चा की एवं ग्राम वी जमानी के समस्त ग्रामवासी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर थाना शिवनी मालवा पहुंचे और जमीनी विवाद मामले को स्पष्ट रूप से जांच करने की मांग की गई। जो दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग ग्रामीण एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। मुद्दे को लेके आज थाने में अभी हमारे जनपद के उपाध्यक्ष भाई राम रघुवंशी के खिलाफ एक मुकदमा कायम किया कल पुलिस ने, और आदिवासी समाज की महिला है और वो करीबन कितने साल से जमानी में नहीं रह रही, 12 साल से उन्होंने गांव छोड़ दिया है, और अरे भाई 12 साल से गांव छोड़ दिया और उनकी शादी हुई है, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से केकरे नाम के महाराष्ट्रीय व्यक्ति से उनका मतलब साथ रहते हैं, शादी हुई या नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे साथ रहते हैं और वह केकरे परिवार की काफ़ी ज़मीन थी, वो मालगुजार थे वह जवानी के, और उनके परिवार की ज़मीनें जो विभाजन में आई उनको कई लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन कई किसानों को सिकमी के रूप में जो खोट कहते हैं उसमें दी है, और उस ज़मीन को इन्होंने खोट लिया था और उस ज़मीन को हथियाने के लिए या कुछ भी कार्रवाई करने के लिए सब झूठी रिपोर्ट हुई है ऐसी जानकारी पूरे ग्रामवासियों ने मुझे दी है, और ये सारे ग्रामवासी जो आए हैं इसी मुद्दे पे आए हैं कि इस तरह का कोई वहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, ना किसी तरह से वो महिला वहाँ पहुँची, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो राम भाई ने ज़मीन खोट ली उसका और उनसे राजनीतिक रूप से प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि वो जनपद का चुनाव वहाँ से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष को उन्होंने चुनाव हराया है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से इसको रूप दिया जा रहा है, और ये राजनीतिक रूप को हमें नहीं देते हुए हमें न्याय की मांग है। अगर राम भाई ने गलती की हो तो उनको सजा दी जाए, अगर किसी ने गलत रूप से रिपोर्ट किए तो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कम से कम गांव जाके इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आप पत्रकार साथीगढ़ भी जाए, आप लोग जाएंगे, आप भी आप लोगों से भी उम्मीद है, इस समय पत्रकारिता प्रशासन शासन इन सबकी जवाबदारी है कि पूरे देश में किस तरह से कानून व्यवस्था का राज कायम हो, आतंकवाद भ्रष्टाचार और जिस तरह के जो लड़ाई झगड़े वर्ग संघर्ष की स्थितियां पैदा कर रहे हैं समाज में, उसको दूर कैसे किया जाए, उससे इसी जब ही हो सकता है जब सारे लोग मिल करके, जब कोई प्रेस वाले के ऊपर हमला होता है तो सारे प्रेस वाले इकट्ठे हो जाते हैं, जब किसी डॉक्टर पे हमला होता है सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, जब किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला होता है सारे शासकीय कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं, आज अगर किसी किसान के ऊपर हमला होता है तो हम सारे किसानों की जवाबदारी है, हम सब भी इकट्ठा होकर के न्याय मांगे, और न्याय मांगने के लिए इस देश के किसान 365 दिन नई दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे रहे, उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री जी से न्याय मांगा, हमको भी यहाँ न्याय मिलेगा ये उम्मीद है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।